okay in the last class what we have seen is we have started with the male reproductive system and then what we have done is we have in detail done the complete male reproductive system along with the male hormones how male hormones are responsible for development of the complete male reproductive system and then we'll be seeing today is how gametes are formed in males only in case of males we'll be seeing so in case of males the gametes are Sperms, right? So, in case of males, the gametes are sperms. So, sperms are the main gametes and they will be formed in the male reproductive system. And where in the male reproductive system? The primary sex organ, right? So, the primary sex organ in case of males is testes. Now, before starting the complete process, how sperms are formed will revise the topic that what was testis okay so testis is a primary sex organ primary sex organ in case of males is testis testis it is divided into several testicular lobules there are about 250 chambers and in each chamber there is about 1 2 3 seminiferous tubules right so we have done this is the structure of testis now going on further within the seminiferous tubule

इनको हम क्या बोलते हैं जर्म सेल्स बोलते हैं तो आज इनको और थोड़ा डिफाइन करते हैं फीचर्स वाइज ये क्या होते हैं प्राइमरी जर्म सेल्स ओके अब तक तुम इनको नाम से जानते थे जर्म सेल्स अगर मैं और डेफिनेट नाम दूँ तो क्या होगा प्राइमरी जर्म सेल्स या और क्या बोल सकते हो प्राइमोडियल जर्म सेल्स ये जो प्राइमरी जर्म सेल्स है इन्हीं से आगे स्पर्म्स बनेंगे तो प्राइमरी जर्म सेल से ही आगे स्पर्म्स बनेंगे और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटो जेनेसिस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटो विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम प्राइमरी सेल राइट और क्या देखा था हमने जब क्रॉस एक्शन देखा था तो क्या देखा था कि बीच में सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रीशियल स्पेस और इसमें सेल्स होते हैं और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं लीडिंग सेल्स या सेल्स राइट right? तो इनको क्या बोलते हैं लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स और यही सेल्स हमारे एंड्रोजन की प्रोडक्शन करते हैं यही एंड्रोजन की प्रोडक्शन करते हैं व्हाट इज द एंड्रोजन जो मेल हॉर्मोन्स हैं उनको एंड्रोजन बोलते हैं और ये जो मेल हॉर्मोन्स में बेसिक एंड्रोजन जो है वो क्या है टेस्टोस्टेरोन करेक्ट तो यही किया था अब तक कि सेमिफेस्टिब्यूल का क्रॉस सेक्शन है सेमिनिफेरिस्टिब्यूल के अंदर जर्म सेल्स की लेयर होती है जो कि एकदम कॉर्नर में लाइन करती है जिसको हम जर्मिनल एपिथीलियम भी बोलते हैं और क्यूबॉइडल सेल्स होने की वजह से इसको क्यूबॉइडल एपिथीलियम भी बोला जाता है और हर एक सेल को हम प्राइमरी जर्म सेल बोलते हैं जिससे आगे स्पर्म्स बनेंगे और किस प्रोसेस से बनेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस से बनेंगे दो सेमिनिफेर के बीच में जो इंडस्ट्रीशियल स्पेस होता है दैट इज फिल्ड बाय द सेल्स 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 कॉल्ड एज लीडिक लीडिक और ये का काम क्या होता है इनका काम होता है एंड्रोजन प्रोड्यूस करना और जो प्राइमरी एंड्रोजन है दैट इज करेक्ट इसके अलावा और क्या किया था हमने कि सेमिनिफेरस सेमिनीफेरिस्टिब्यूल के अंदर कुछ सेल्स जो है कॉल्यूमनार सेल्स होते हैं राइट right? कुछ सेल्स थोड़े बड़े होते हैं टॉल सेल्स होते हैं और इन सेल्स का काम क्या होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना इन सेल्स का काम क्या होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं सर्टोली सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल्स राइट तो आज आज हम हम क्या करने वाले है? वाले हैं हैं द बेसिक प्रोसेस जो पढ़ने वो ये है कि प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्म्स कैसे बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है ओके सो नाउ गोइंग ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस जेनेसिस स्पर्मेटो जेनेसिस अगर मैं वर्ड को ब्रेक करूं तो क्या है स्पर्मेटो मीन स्पर्म और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन सो इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन केस ऑफ मेल्स इट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटो अगर यही फीमेल्स के केस में ओवा की बात होती तो मैं क्या बोलती ऊ जेनेसिस और अगर मुझे जनरल टर्म देना हो कि कोई भी गैमीट बन रहा है जनरली अगर मुझे कोई तो टर्म देना है तो मैं उसको क्या बोलूंगी गैमीटो जेनेसिस करेक्ट अब कोई भी प्रोसेस चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे ऊजेसिस हो उसके कुछ फेजेस होते हैं ओके okay, कॉमन है ये फेजेस सब में ही होते हैं तो ये कुछ फेजेस होते हैं क्या क्या फेजेस होते हैं बेसिकली तीन फेजेस होते हैं कौन कौन से तीन फेजेस तीन फेजेस में एक होता है मल्टीप्लीकेशन फेज क्या होता है मल्टीप्लीकेशन फेज देन द सेकेंड फेज इज ग्रोथ फेज And the third phase is maturation phase. First phase is multiplication phase, second phase is growth phase, and the third phase is maturation phase. Right? तीन फेजेस होते हैं और इन्हीं फेजेस में हम आगे पूरा अब पढ़ेंगे आर द थ्री फेजेस हमने देख लिया है साइट कैसपोमेटोजेसिस की वो सेमिनिफेरस सेमिनिफेरेस्टिब्यूल है सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस्टिब्यूल के अंदर जर्मिनल एपिथीलियम होती है जर्मिनल एपिथीलियम क्यूबॉइडल सेल से बनी होती है और हर एक सेल को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी जर्म सेल या प्राइमोडियल जर्म सेल ये जो पूरा प्रोसेस है इसको करने में कौन हेल्प करता है सर्टोली सेल्स हेल्प करते हैं और पूरे प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं ओके नाउ कमिंग ऑन द फेजेस। सबसे पहले फेज क्या होता है सी जैसे ही सेक्शुअल मेचोरिटी आती है सेक्शुअल मेचोरिटी मतलब एडोलसेंट एज आती है जैसे ग्यारह से बारह की उम्र का होता है कोई लड़का तो उस एज में क्या होता है सेक्सुअल मेचोरिटी की एज में जो अनडिफ्रेंशियटेड सेल्स है जो हमारे सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल के अंदर ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं जो अनडिफ्रेंशियटेड प्राइमोडियल जर्म सेल्स है ये बहुत बार डिवाइड करते हैं क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो मैं क्या बोल रही हूँ कि हमारे पास कोई प्राइमोडियल जर्म सेल है से दिस प्राइमोडियल या प्राइमरी जर्म सेल क्या करता है बहुत बार डिवाइड करता है अब डिवाइड करता है बहुत बार करता है लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोजोम का नंबर है वो अफेक्ट नहीं होता है और इक्वेशनल डिवीजन होती है तो इक्वेशनल डिवीजन को मैं क्या बोलूंगी माइटोसिस क्या बोलूंगी माइटोसिस अब जब ये प्राइमरी जर्म सेल बहुत बार डिवाइड करता है तो ये बहुत सारे सेल्स बनाता है इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया क्या बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया ओके अब मैंने क्या बोला कि एक सेल से बहुत सारे सेल्स बने राइट right? तो लेट से कोई एक सेल था यहाँ पे इससे बहुत सारे सेल्स बन गए तो इस फेज को मैं क्या बोलूंगी मल्टीप्लीकेशन फेज क्यों बोलूंगी क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेल्स right? तो कौन सेल्स मल्टीप्लाई करें प्राइमरी जर्म सेल मल्टीप्लाई करे सो आई कैन से प्राइमरी जर्म सेल प्राइमरी जर्म सेल इज मल्टीप्लाइंग टू फॉर्म स्पर्मेटो गोनिया राइट right? कौन सा प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, राइट इक्वेशनल डिवीजन है नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स सेम रहेंगे अब बात ये आती है कि क्यों हो रहा है हमें तो गैमिट्स चाहिए हमें तो स्पॉन्स चाहिए राइट right? तो इसमें माइटोसिस का तो कोई लेना देना नहीं था गैमिट्स जब बनते हैं व्हेन गैमिट्स आर व्हाट वी से रिडक्शनल डिवीजन जरूरी है वहां पे मियोसिस होना चाहिए पर हम तो माइटोसिस कर रहे हैं

डायरेक्टली इन्हीं से गैमीट्स बनने लग जाए इन्हीं से स्पर्म बनने लग जाए तो एक टाइम क्या आएगा कि सारे सेल्स खत्म हो जाएंगे ऑल सेल्स विल बी फिनिश्ड अप सारे के सारे सेल्स कंज्यूम हो जाएंगे सब क्या कर लेंगे स्पर्म बना लेंगे तो एक टाइम क्या आएगा जब स्पर्म प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी क्यों क्योंकि कोई प्राइमरी जर्म सेल बचा ही नहीं तो अगर मान लो एक सेल क्या करे कि पहले ही वो डिवाइड कर जाए दो सेल में अब एक सेल से हम आगे पूरा मियोसिस स्टार्ट कर दे और दूसरा सेल उसके नंबर को फिर से रिन्यू कर दे मतलब कि अगर मैंने 100 सेल है जर्मिनल जौ, एपिथीलियम में तो 100 के 100 सेल्स क्या, ना पूरे मियोसिस में ना जाके 100 सेल क्या करे पहले डिवाइड कर ले तो क्या बन गए 100 से 200 सेल बन गए दो का सेट बन गया एक सौ का एक सौ का ये सौ सेल तो आगे स्पर्म्स बना दे और ये सौ सेल्स फिर से वहीं रह जाए फिर से डिवाइड करते रहे तो इससे क्या होगा एक दिन नंबर का भी खत्म होगा ही नहीं और स्पर्म प्रोडक्शन चालू रहेगी सो टू में जाते हैं okay, तो इन इनको cells को हम क्या बोलते हैं जो नए सेल्स बनते हैं माइटोसिस के बाद इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया ओके अब स्पर्मेटोगोनिया जो है वो फर्दर दो टाइप के हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो फर्दर दो टाइप के हैं कैसे कैसे इनको हमने बहुत सिंपल सा नाम दिया है टाइप ए और टाइप बी ओके okay, कोई कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं दिया टाइप ए और टाइप बी करके नाम दे दिया सो आर टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करते हैं वो बार बार वो स्टेम सेल्स की तरह काम करते हैं स्टेम सेल्स की तरह मतलब बार बार डिवाइड करते रहेंगे और और स्पर्मेटोगोनिया बनाते रहेंगे तो अगर मैं कहूँ और कि ये वाले सेल्स मान लो प्राइमरी जर्म सेल है दिस इज द प्राइमरी जर्म सेल ये प्राइमरी जर्म सेल से आगे दो सेल बने जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं अब ये वाला जो स्पर्मेटोगोनिया ये वापस से जाए और डिवाइड करता रहे रिन्यू करता रहे तो क्या हो गया ये टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया हो गया और दूसरा स्पर्मेटोगोनिया क्या करे आगे मियोसिस करे और क्या करे स्पर्म्स बनाए तो ये कैसा हो गया टाइप 20 परमेटोगोनिया हो गया राइट right? तो टाइप एस परमेटोगोनिया क्या करता है स्टेम सेल की तरह एक्ट करता है और नंबर को मेंटेन करके रखता है और टाइप बी आगे स्पोम का प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है इट एक्ट्स लाइक प्रिकर्सर ऑफ स्पोम नाउ गोइंग बैक अगेन इन डिटेल ऑफ कंप्लीट हमने क्या बोला प्राइमरी जर्म सेल है उससे आगे दो सेल्स बने जो कि माइटोसिस से बने तो इक्वेशनल डिवीजन हुई नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स सेम रहे अब ह्यूमंस के अंदर अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स की भी बात कर लेते हैं ह्यूमंस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं द नंबर ऑफ क्रमोजोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस आर टोटल 46 46 फोर्टी क्रोमोजोम्स होते हैं राइट right? तो टोटल कितने हुए 46 सिक्स क्रोमोजोम्स अब माइटोसिस हुआ तो यहाँ पे भी 46 रहेंगे और यहाँ पे भी 46 रहेंगे करेक्ट अब सेकेंड फेज क्या बोला हमने क्या बोले तीन फेजेज है एक मल्टीप्लीकेशन फेज दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा मैचुरेशन फेज तो पहला फेज क्या था मल्टीप्लीकेशन फेज जिस फेज में प्राइमरी जर्म सेल्स क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं और क्या हम रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया अब इसका सेकेंड फेज क्या होगा ग्रोथ फेज तो ग्रोथ फेज आगे कंटिन्यू कौन करेगा टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया अब आगे मियोसिस जाएगा और क्या बनाएगा स्पर्म्स बनाएगा ओके तो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया ये क्या करता है ये एक्टिवली ग्रो करता है साइज में लार्ज हो जाता है और क्या बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सो लेट्स से दिस वाज द सेल टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया ये ज हो गया साइज में इससे नरिशमेंट मिला नरिशमेंट किससे मिल रहा है नरिशमेंट के लिए कौन से सेल्स हैं सर्टोली सेल्स राइट इसे नरिशमेंट मिला सर्टोली सेल से अब इसने क्या बना दिया प्राइमरी स्पर्मेटो साइट क्या बनाया प्राइमरी स्पर्मेटो साइट ओके अब ग्रोथ भी हो गई सेल की अब क्या होना है आगे मैचुरेशन होना है मैट्यूरेशन में क्या होगा डिवीजन होगा कौन सा डिवीजन होगा रिडक्शनल डिवीजन क्यों क्योंकि हमें तो गैमीट्स बनाने हैं लाइक right? 46 क्रोमोसोम है इनको आधा-आधा बांटना है 23 23 करना है सो दैट गैमीट्स आर फॉर्म्ड और ये नंबर दोबारा से 46 का हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन राइट तो अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के साथ क्या होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो डिवीजन ओके okay, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो टू सक्सेसिव डिवीजन टू सक्सेसिव मतलब दो लगातार डिवीजन होती रहेंगी पहली डिवीजन जो होगी ये जो सेल है ये किस में डिवाइड करेगा दो सेल्स में अब प्राइमरी भी फोर्टी सिक्स नंबर में इसने क्या किया मियोसिस वन गया इट अंडरवेंट मियोसिस वन कौन सी मियोसिस हुई मियोसिस वन हुई मियोसिस वन, वन होने के बाद क्या हुआ कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो हैं वो क्या हो गए आधे हो गए मतलब कि वन क्या थी Reductional division थी यहां पे क्या हुआ हमारा सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो गए 46 से 23 23 दोनों में आ गए राइट right? तो मियोसिस वन के बाद क्या हुआ कि दो सेल्स बने और ये दोनों सेल्स में सेपरेशन हो चुका है होमोलोगस क्रो, क्रोमोजोम्स का और 23 23 ट्वेंटी क्रोमोजोम्स बट गए ओके इज मियोसिस वन के बाद रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद ये क्या हुए दो एप्लॉइड सेल्स बन गए अब इन दो एप्लॉइड सेल्स का पहले नाम हमने क्या रखा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इस बार हमने नाम क्या रखा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या रखा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट राइट right? अब हमने क्या पढ़ा है कि मियोसिस दो स्टेप्स में होती है एक मियोसिस वन और एक मियोसिस टू ओके okay, तो मियोसिस वन जो है उसमें क्या हो रहा है रिडक्शनल डिवीजन अब जाएंगे मियोसिस टू तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मियोसिस टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस टू जाता है मियोसिस टू इज सिमिलर टू टू योर माइटोसिस तो यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं होने वाला यहाँ पे क्या होगा इक्वेशनल डिवीजन होगा मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम तो ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं तो अब सेपरेशन किसका होगा इसका सेपरेशन विल बी ऑफ सिस्टर क्रोमेटेड सिस्टर क्रोमेटेड सेपरेट करेंगे और ये दोनों सेल्स क्या बनाएंगे चार सेल्स ये क्या बनाएंगे चार सेल्स अब ये क्या सबके अंदर क्या होगा क्रोमोजोम नंबर ट्वेंटी थ्री तो मतलब ये क्या है है सारे के सारे इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटिड्स क्या बोलते हैं स्पर्मेटिड्स ओके तो क्या हुआ अब तक हमने क्या किया सिंपल सा प्रोसेस है क्या हुआ है प्राइमरी जर्म सेल है प्राइमरी जर्म सेल्स पहले माइटोसिस जाता है और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाता है इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जिनको हम टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं ये क्या करता है ये आगे प्रोसीड करता है विद मियोसिस उसके लिए ये पहले अपना साइज इंक्रीज करता है ग्रोथ करता है और क्या बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद इट अंडरगोज मियोसिस वन मियोसिस वन जाता है और क्या बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और इसके बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस जाता है और यहां पे क्या होता है सेपरेशन ऑफ किसका सेपरेशन सिस्टर क्रोमेटिड्स का सो देयर इज सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ओके उसके बाद क्या बनेंगे चार हैप्लोइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे राइट right? तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है पहले माइटोसिस फिर मियोसिस वन फिर मियोसिस टू करेक्ट सो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जिससे स्पर्मेटोजेनिस हो जाता है लेकिन अब जो मूवीज देखी होंगी या कुछ भी किया जहाँ पे भी स्पर्म का कभी डायग्राम देखा होगा तो डायग्राम हमेशा ऐसा ही देखा होगा कि आगे एक सेल है हेड है और पीछे एक टेल है राइट पर हमने जब अभी स्पर्मेट्स बनाए हैं ये तो सारे राउंड स्फेरिकल है शेप में Right? तो इनको अभी इनकी प्रॉपर शेप नहीं मिली है इनको अपनी प्रॉपर मॉर्फोलॉजी नहीं मिली है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इनकी मॉर्फोलॉजी गेन करना ओके okay. तो मॉर्फोलॉजी गेन करने के लिए द प्रोसेस अगेन द प्रो इट विल अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मिओ जेनेसिस कौन सा प्रोसेस है स्पर्मियो जेनेसिस ओके स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है कि ये जितने भी स्पर्मेटेड्स हैं ये अपनी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन डिफरेंशिएशन करते हैं मतलब साइटोप्लाज्म को रीअरेंज करते हैं देर इज रीअरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म को रीअरेंज करने के बाद एक कुछ शेप ऐसी गेन करते हैं मतलब एक हेड होगा नेक होगा एक मिडल पीस होगा और नीचे की तरफ एक टेल होगी ओके तो ये क्या करते हैं मेच्योर करते हैं मेच्योर मीन्स ये जो स्पर्मेटेड्स हैं ये अपनी प्रॉपर शेप गेन करते हैं और क्या बनाते हैं प्रॉपर स्पर्म बनाते हैं जिसमें एक डिस्टिंक्ट हेड है एक नेक है मिडल पीस है और टेल है ओके सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस अब सी इस प्रोसेस में क्या हो रहा है स्पर्म्स की एक डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजी आ रही है जहां पे उसके पास एक टेल भी है जो उसको मूव करने में हेल्प करेगी फ्लैजिला है जो उसको मूव करने में हेल्प करेगा अब जोआ वर्ड जोआ जो वर्ड है वो हम किसके लिए यूज करते हैं एनिमल जू वर्ड इज फॉर एनिमल बोलते हैं ना जू सो जू किसके लिए एनिमल्स के लिए, लिए? लिए. जहां एनिमल्स को रखा जाता है तो मतलब जू वर्ड इज फॉर एनिमल्स तो एनिमल्स की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है वो मूव कर सकता है लोकोमोट कर सकता है सेम वे स्पर्म भी मूव कर सकता है लोकोमोशन शो करता है तो यहां पे इसलिए इसका वर्ड जो है जो हम इसको बोलते हैं मैचुरेशन के बाद स्पर्मेटेड ना हो, के हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ और क्या बोल सकते हैं स्पम्प्स कुछ भी बात बोलो या तो स्पर्मेटोजोआ या स्प्स ओके सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस नेक्स्ट थिंग इज जब ये सारे स्पर्म्स बनते हैं अब ये तो हो गया बेसिक प्रोसेस ओके अब इसको अगर मैं यहाँ इमेजिन करूँ विद इन द सेमिफेरस टिब्यूल सेमिफेर टिब्यूल में क्या हो रहा है यहाँ पे क्या है हमारे पास सेल्स थे क्यूबॉइडल सेल्स ये क्यूबॉइडल सेल्स क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन जाते हैं और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बना देते हैं साथ में बीच में क्या है सर्टोली सेल्स सर्टोली सेल्स से ये नरिशमेंट लेते हैं ओके स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है आगे डिवीजन जाता है और क्या बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट राइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे क्या करता है इट अंडरगोज इट अंडरगोज व्हाट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इट अंडरगोज माइटोसिस टू माइटोसिस टू होने के बाद ये क्या बनाएगा स्पर्मेटिड्स बनाएगा स्पर्मेटिड्स धीरे धीरे यहाँ मेच्योर करेंगे और बनाएंगे। लेकिन इनका जो हेड है इन का जो हेड है, वो कहाँ पे एम्बेडेड रहता है वो सर्टोली सेल्स के अंदर ही एम्बेडेड रहता है द हेड ऑफ सर्टो स्पोम इट रिमेन्स एम्बेडेड विद इन सेल्स और वहां से वो नरिशमेंट गेन करता रहता है लेकिन जब स्पर्म्स को आगे गैमीट फॉर्मेशन को गैमीट होने बनने के बाद इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाना है सो इट हैज टू लीव दिस सेमनीफेस्टिब्यूल इसको इस सेमनीफेस्टिब्यूल को छोड़ना पड़ेगा सो so इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा सर्टोली सेल्स से अलग होना पड़ेगा मतलब जो ये हेड एम्बेड हो रखा है यहाँ से इसको अलग होना है राइट right? सो so ये क्या करता है अपना हेड यहाँ से रिमूव कर लेता है रिलीज कर लेता है और सेमनी में रिलीज हो जाता है इन द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेस्टिब्यूल सेमनी फेस्टिब्यूल के ल्यूमन में मतलब जो बीच में खाली स्पेस है वहां पे इकट्ठा हो जाता है तो सर्टोली सेल से ये अलग हो गया ये जो प्रोसेस है जहां पे ये सर्टोली सेल से अलग होता है ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्पर्मी एशन क्या बोलते हैं स्पर्मी एशन सो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ओके तो सबसे पहले क्या हुआ पूरी कहानी को दोबारा पढ़ते हैं क्या हुआ प्राइमरी जर्म सेल है प्राइमरी जर्म सेल्स माइटोसिस गया टाइप ए और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बना दिया बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह एक्ट करने लग गए अपना साइज इंक्रीज किया और मियोसिस में एंटर कर गए मियोसिस वन की सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स हुआ और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना दिए

तो इसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है स्पर्मी राइट सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ गैमिटोजेसिस और यू कैन से स्पर्मेटोजेनेसिस राइट सो नाउ विल डू इट फ्रॉम एनसीआरटी की वॉट इज रिलेटन इन एनसीआरटी ओके सो एनसीआरटी में क्या लिखा है द प्राइमरी सेक्स दैट इज द टेस्टिस इन

गिवन इन दैट मच डिटेल क्या होता है प्राइमरी जर्म सेल्स जो है वो क्या करते हैं डिवाइड करके स्पर्मेटोग बनाते हैं और स्पर्मेटोग जो है वो आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनाते हैं करेक्ट अब ये चीज इन्होंने दी है स्पोर्मेटोग प्रेजेंट ऑन दी इन साइड वॉल ऑफ सेमिफेस ट्रिब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटॉटिक डिविजन सो एनसीआरली मेन्श दैट दे फर्स्ट डिवाइड बाई माइटोटिक डिविजन क्यू टू इंक्रीज देयर नंबर टोग के अंदर क्या होते है? होता है डिप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर होता है डिप्लॉइड सेल्स होते हैं और कितने हैं फोर्टी सिक्स हैं। इनमें से सम ऑफ द द सेम वे वी कि कुछ जो है इनमें से क्या करेंगे प्राइमरीज पोमेटोसाइड बनाएंगे और मिओसिस कंटिन्यू करेंगे एंड पीडिकली देसिस सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी पोमेटोसाइडो पीडिकली मियोसिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहले कंप्लीट करता है पहली मियोटिक डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन दैट इज इजक्शनल डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल सेल्स कॉल्ड ए सेकेंडरी एप्लॉइड सेल्सरी थ्री क्रोमोजोम ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडर गो सेकेंड मिओटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस फोर इक्वल एप्लॉइड स्पर्मेटिड चार इक्वल एप्लॉयड स्पर्मेटिड बनाता है

एफ एस एच एल एच को और क्या बोलते हैं मेल्स में आईसीएसएच प्रीवियस क्लास मेंल्सो कॉल्ड एज इंटरशियल सेल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफ एस एच एल एच कहा एक्ट करता है लीडिंग right? so, re सेल्स पे और स्टमुलेट करता है सिंथिस एंड सिक्रिएशन ऑफ एंड्रोजेंस एंड्रोजेंस फर्दर क्या करते हैं स्पर्मेटोजेनिस को प्रमोट करते हैं एफ एस एक्ट करता है किस पे काम करता है सर्टोलीसेल्स पे और स्टिमुलेट करता है सिक्रिएशन ऑफ सम फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मियोजेनिस नाउ इन सारी हेज क्लियरली मैं इट इज हेल्पिंग इन स्पर्मियोजेनिस स्पर्मिओजेनिस प्रोसेस जहां पे स्पर्मिटेड क्या कर रहे हैं अपनी डिस्टिंग मोर्फोलॉजी अटेन कर रहे हैं राइट सो दिस इज स्पर्मियोजेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म ज स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटेड्स सारे टर्म्स सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं बिकॉज यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है ओके okay, कंफ्यूजन हो जाती है क्या स्पर्मेटोजोआ है और क्या स्पर्मेटिड्स है क्या स्पर्म्स है क्या स्पर्मेटोगोनिया है क्या स्पर्मेटोसाइट है बहुत सारे वर्ड है जिनके आगे स्पर्म 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 लिखा हुआ है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर स्टार्टिंग में जर्म सेल है फिर स्पर्मेटोगोनिया है फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देन स्पर्मेटिड्स देन स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स ओके नाउ कमिंग ऑन टू दिस चार्ट विच इज गिवेन इन एनसीआर सो वीआर की इनिशियलीर इ बहुत सारी माइटोसिस इनमें से क्या होता है आगे एक सेल जो है प्राइमरी स्पोर्मेटोसाइट आगे कॉन्टिन्यू करता है मियोसिस और क्या बनाता है सेकेंडरी स्पोर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पोर्मेटोसाइट जो है आगे फर्दर ऑन इट विल अंडर गो मिओसिस टू मियोसिस टू के बाद क्या बनाएगा फोर है सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटेड्स एंड देफ्रेंशिएट टू फॉर्म स्पर्मेटो जो ये प्रोसेस क्या था स्पर्मियो सो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटो जेनेसिस so today we have finished the complete male reproductive system okay now the last topic here in this is the structure of sperm okay now let's see the structure of sperm structure of sperm is when spermatids the gain जब स्पर्मेटिड्स पूरा का पूरा अपना क्रोमोसोमल रीडिस्ट्रीब्यूट साइटोप्लाज्मिक रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं मतलब साइटोप्लाज्म को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे करते हैं उनके ऊपर एक हेड जैसा स्ट्रक्चर होता है ओके okay, फिर उसके बाद एक नेक जैसा स्ट्रक्चर फिर इस नेक जैसे स्ट्रक्चर से आगे मिडल पीस uh, और मिडल पीस से इट विल कंस्ट्रिक्ट कंस्ट्रिक्ट होगा थोड़ा सा और टेल बनेगी ओके सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पोन हेड में आगे टिप पे एक बल्ज स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्रोजोम बोलते हैं अभी करेंगे डिटेल में सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म तो स्पर्म का जो पूरा स्ट्रक्चर है इट इज डिवाइडेड इनटू हेड हेड है फिर उसके बाद नेक है फिर मिडल पीस एंड द लास्ट इज ओके

कमिंग ड हेड हेड जो है आगे की तरफ मतलब इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है और इसके जो सबसे इंटीरियर सबसे आगे वाला पार्ट है ये एकदम बल्ज स्ट्रक्चर है और इस बल्ज स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं एक्रोजोम क्या बोलते हैं एक्रोजोम एक्रोजोम जो है वो किसकी मॉडिफिकेशन है सी अगर ये मैं बोलू स्पर्म जो है वो एक सेल की मॉडिफिकेशन है सेल से ही बना है। सेल ने अपने साइटोप्लाज्म को रीअरेंज किया है तो इसके अंदर सारे सेल एपरेटर्स होने चाहिए सेल ऑर्गेनलीज होनी चाहिए जो हम सेल में बोलते हैं यहाँ पे सेल ऑर्गेनली गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटर्स जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करता है और स्पर्म के एकदम आगे हेड पे एकदम आगे अरेंज हो जाता है और उसको हम बोलते हैं एक्रोजोम अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है अगर याद है तुम्हें गोल्जी एप्रेटस क्या करता है ये जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जितने जितने भी प्रोटीन्स बनाता है ये उसकी पैकेजिंग करता है राइट गोल्जी एप्रेटस यही किया था पैकेजिंग करता है तो गोल्जी एप्रेटस क्या करता है उन सारे प्रोटीन्स को एंजाइम्स को पैकेज करके एक्रोजोम में रख लेता है ओके अब यहाँ पे कौन से एंजाइम्स होते हैं बेसिकली देयर आर प्रोटिटिक एंजाइम प्रोटीओलिटिक एंजाइम मतलब लाइटिक मतलब लाइटिक मतलब लाइसिस लाइसिस से आया ब्रेक डाउन लाइट एंड प्रोटीओ मीन प्रोटीन तो मतलब क्या करेगा प्रोटीन का ब्रेक डाउन सो ये एंजाइम क्या करेंगे प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे किसके प्रोटीन्स का कैसे प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करेंगे सी जब कोई स्पॉम एग के पास पहुंचता है एग के पास पहुंचता है तो यहाँ पे एग के ऊपर बहुत सारी प्रोटीन की लेयर्स होती है जो स्पर्म के लिए एक हर्डल है ओके तो उसे क्या करना होता है इन लेयर्स को ब्रेक करना होता है और फिर अपने जितना भी क्रोमोजोम का मटेरियल है उसे अंदर रिलीज करना होता है न्यूक्लियस को रिलीज करना होता है अंदर राइट तो इसको ब्रेक करने के लिए इस वॉल को ब्रेक करने के लिए फ्यूजन के लिए क्या चाहिए प्रोटीलिटिक एंजाइम्स चाहिए जो कि गोल्जी एप्रेटस में गोल्जी बॉडी में अरेंज हो जाते हैं पैक हो जाते हैं और उसको मॉडिफाई फॉर्म क्या बोलते हैं एक्रोज़ोम्स तो इन प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स को इन प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं स्पर्म लाइजेंस क्या बोलते हैं स्पर्मे लाइजेंस स्पर्मे लाइजेंस मींस कि ये क्या कर रहे हैं स्पर्म के वो एंजाइम्स जो लाइसिस में हेल्प कर रहे हैं ओके दे हेल्प इन फर्टिलाइजेशन यहां पे जो एक मेन एक एंजाइम और जो प्रेजेंट होता है दैट इज

अगर लास्ट ईयर का कनेक्टिव टिश्यू याद है तो वहाँ कनेक्टिव में हमने क्या किया था matrix होती है मैट्रिक्स के अंदर हाइलोनिक करने में हेल्प करता है राइट right? तो वहां पे ओवम के ऊपर क्या होगा हाइलोनिक एसिड की लेयर होगी उसे डिस्ट्रक्ट करने में हेल्प करेगा हाइलोनिडेज जो कि इसमें प्रेजेंट होगा ओके देन कमिंग टू नेक यहाँ पे क्या है एक्रोजोम इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियस अरेन्ज है हेड में नाउ कमिंग टू नेक नेक जो है बहुत छोटी सी होती है और हेड और मिडल पीस के बीच में होती है ओके okay, इसके बाद इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है क्या प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल सो इट कंटेन्स सेंट्रियोल यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है ये वाला सेंट्रियोल किसके साइड पे है ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पास है राइट right? और हेड के भी पास है सो दिस इज कॉल्ड एज क्या करते हैं प्रोक्सीमल सेंट्रियल बोलते हैं इसको सो इट कंटेन्स प्रोक्सीमल सेंट्रियोल किसके पास है न्यूक्लियस की तरफ है अब इसका काम क्या है इस सेंट्रियल का काम है सेंट्रियल का फंक्शन क्या होता है स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनाना और माइटोटिक कराना अगर सेल साइकिल याद याद है याद है माइटोसिस तो वहां होते हैं राइट right? क्या करते हैं से स्पिंडल फाइबर्स अरेंज करते हैं और क्रोमोजोम के को पुल करते हैं एक दूसरे की तरफ तो ये क्या है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो क्लीवेज में हेल्प करेगा सेल डिविजन में हेल्प करेगा ओके नेक्स्ट इज डिस्टल सेंट्रियल दो सेंट्रियोल होते हैं एक प्रॉक्सिमल और एक दूसरा क्या है डिस्टल सेंट्रियोल डिस्टल सेंट्रियोल क्या करेगा डिस्टल सेंट्रियोल से निकलेंगे हमारे फिलामेंट्स फाइबर्स ओके डिस्टल सेंट्रियोल से फिलामेंट्स निकलेंगे जो आगे टेल तक कंटिन्यू करेंगे सो डिस्टल्स फिलामेंट डिस्टल सेंट्रियोल विल गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट एक्सिस का फिलामेंट में हेल्प करेगा जो कि आगे टेल से जुड़ जाएगा सो दिस इज एक्सियल फिलामेंट कहाँ से अराइज हो रहा है डिस्टल सेंट्रियोल से ओके नेक्स्ट थिंग कमिंग टू मिडिल पीस मिडिल पीस जो है इसके अंदर तो माइट्रोकॉन्ड्रिया अरेन्ज होता है ओके okay. माइट्रोकॉन्ड्रिया कैसे कॉइल्ड फॉर्म में अब ये क्या बोला मैंने एक्सियल फिलामेंट है इसके अगर मैं चारों तरफ क्या करूं माइट्रोकॉन्ड्रिया को ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज कर दूं तो यहां पे क्या है कॉइल्ड फॉर्म में फॉर्म में माइट्रोकॉन्ड्रिया अरेन्ड स्पल एक स्प्रिंग की तरह एक्सल इज माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियल रिच होता है और माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करता है बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल सेल का पावर हाउस है स्पर्म में प्रेजेंट है तो क्या करेगा स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसके लिए टू मूव ओके मूव करने के लिए आगे एनर्जी प्रोवाइड करेगा फिर से यहाँ पे रिंग सेंट्रियल होते हैं जो कि बनाते एक रिंग जैसा बनाते हैं, एक जैसा का। okay. Next is the last part is tail. Tail जो है बहुत लंबी होती होती है, है। वो middle piece से आगे जुड़ी यहाँ पे फ्लैजिला बनाती है और किस में हेल्प करती है इट हेल्प्स द स्पॉम्स टू स्विम इन सीमेन सीमेन में स्विम करने के लिए हेल्प करती है अब सीमेन हम पहले ही पढ़ चुके हैं सीमेन क्या है कंप्लीट वो फ्लूइड जो कि इजैक्युलेट होता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है इसमें प्रेजेंट है, है सारे के सारे ग्लैंड right? है टेस्टिस okay, so so, से आ रहे हैं फिर आगे सेमिनल रिसाइकल से क्या होगा सेमिनल प्लाज्मा रिलीज होगा प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होगा पूरा मिक्स होगा और क्या बनेगा सीमिन विच विल बी इजैक्युलेटेड आउट ओके नेक्स्ट लास्ट इज दिस विल कंप्लीट फ्रॉम एनसीईआरटी इट्स अ माइक्रो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विच इज कंपोज ऑफ हेड नेक मिडल पीस एंड टेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप करती है एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म the sperm head contains an elongated haploid nucleus anterior portion contains a cap-like structure called as acrosome which is filled with the enzyme which is responsible for fertilization of ovum there are numerous mitochondria which helps in production of energy and movement of tail that will facilitate the sperm motility essential for fertilization human male ejaculates 200 to 300 million sperms during coitus out of which 60% should be of normal shape and size and 60% should be of vigorous motility. sperm release from the semifestibule are transported by accessory ducts. secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicles and prostate are essential for maturation and motility. they constitute semen. the function of male accessory ducts and glands are maintained by testicular hormones, that is, androgens. Okay. So today we'll finish our session.